इंडिया की सबसे अधिक बिकने वाली सेडान सीएनजी में वापस आ गई है, नए अवतार में, नए इंजन ऑप्शंस के साथ में। कैसी है, बात करते हैं इसी वीडियो में। मैं हूं आपका होस्ट अमित और आप देख रहे हैं आस्क कार गुरु। हाँ, कार के बारे में बात करूं तो डिजायर, मारुति सुजुकी की डिजायर सबसे अधिक चाहने वाली सीएनजी सेडान रही है इंडियन मार्केट में। हाँ, इसने बीच में कुछ समय के लिए साथ छोड़ दिया था हम इंडियन कंज्यूमर्स का, यानी सिर्फ पेट्रोल वेरिएंट के साथ ही डिजायर आ रही थी, उसका फ़ायदा मिला और आज सीएनजी को, और बीच में आ गई इगो सीएनजी भी, लेकिन अब डिजायर वापस आ गई है। तो कैसी लग रही है? देखिए, देखने की बात की जाए तो देखने में हमेशा ही कूल लगती थी, लोगों को काफ़ी पसंद आई थी, और यही वजह है इंडिया की सबसे अधिक बिकने वाली सेडान है, जो दूसरे कई कॉम्पिटिटर से दो गुनी से ज़्यादा गिनती में अकेले बिक जाती है। यानी यहाँ पर डिजायर अनडिस्प्यूटेड रही है। अब कुछ बदलाव आ गए हैं। क्या बदलाव है अगर इनकी बात की जाए? साइड से अभी भी वैसे ही कूल लगती है जैसे फ्रंट से थी, और बैक प्रोफाइल में भी कोई ऐसा मेजर चेंज नहीं है सिवाय इसके कि सीएनजी भरने का पॉइंट दे रखा गया है। रियर प्रोफाइल की बात की जाए, वह भी वैसा ही है, कोई मेजर चेंज नहीं, वही टेल लाइट, वही इंडिकेशन, और हाँ, एस सीएनजी वाली बैजिंग जरूर यहाँ पर मौजूद हो गई है। बूट स्पेस के बारे में अगर बात की जाए तो बूट स्पेस रीजनेबल बच जाता है सिलेंडर लगने के बाद। हाँ, यहाँ पर आप एक सूटकेस और दो तीन छोटे छोटे बैग आसानी से एडजस्ट कर सकते हैं, उसको लेकर आपको जरा सी भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। यानी आप चाहें तो हाईवे पर भी टूरिंग कर सकते हैं अपनी फैमिली के साथ, क्योंकि बूट में फिर भी काफ़ी जगह रह ही जाती है। यही वजह है हम इंडियंस को इस तरह की कारें ज़्यादा पसंद आती हैं। अब बात करते हैं इंजन के बारे में। हाँ, यहाँ पर आपको मिलता है 89 PS की पावर देने वाला 113 NM टॉर्क के साथ 1.2 लीटर 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन, जो कि डुअल जेट डुअल VVT के साथ में आता है। लेकिन जब बात आती है सीएनजी की तो आपको मिलता है केवल और केवल 76 PS की पावर और 98.5 NM का टॉर्क। यानी सीएनजी के साथ पावर थोड़ी सी कम हो जाती है, लेकिन यह आपको कई बेहतरीन ऑप्शंस के साथ आता है, जिनमें VXI और ऊपर के वेरिएंट भी शामिल हैं। की बात की जाए, NTI में कोई मेजर चेंज नहीं, सीएनजी का एक स्विच मौजूद है और बाकी कोई चेंज नहीं। आपको चाहे तो इसमें अपना नया टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम लगवा सकते हैं, दो कॉमन डायल्स दे रखे गए हैं इंस्ट्रूमेंट पैनल पे, और बीच में एक छोटी सी MID मौजूद है। इस वेरिएंट के साथ आपको मैनुअल AC का ऑप्शन मिलता है। इस वेरिएंट में आपको एनालॉग स्पीडोमीटर और RPM मीटर मिलते हैं, साथ ही बीच में एक MID रखी गई है। आपको एक म्यूजिक सिस्टम भी प्रोवाइड किया जाता है, जिससे कि आपके कार में इंटरटेनमेंट का ध्यान रखा जा सकता है। हाँ, इसके साथ आपको दो पावर सॉकेट मिलते हैं और मैनुअल AC भी मौजूद है। जरूरत के हिसाब से लगभग सभी काम के फीचर्स इस वेरिएंट के साथ आपको मिल जाते हैं। क्लच, ब्रेक, एक्सीलेटर के बीच में अच्छा स्पेस मिल जाता है। हालांकि आपको IRVM केवल डे नाइट के ऑप्शंस के साथ में आता है, यहाँ ऑटो डिमिंग की कमी थोड़ा खलती है। पैसेंजर साइड आपको वारंटी मिरर मिल जाता है, ग्लोव बॉक्स भी ठीक ठीक साइज का है, जिसमें कि आप थोड़ा बहुत सामान रख सकते हैं। सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल हैं और चौड़ी होने की वजह से लोगों को ज़्यादा पसंद आती है। डिजायर इंडिया की सबसे अधिक बिकने वाली सेडान इसलिए ही बनी क्योंकि इसकी सीटें काफ़ी कंफर्टेबल थी, मारुति का ट्रस्ट शामिल था, और साथ ही मौजूद थी बहुत सारी जगह जिसे हम इंडियंस हर कंडीशन में यूज कर सकते थे। रियर सीट पर भी काफ़ी अच्छा स्पेस मिल जाता है, हालांकि आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट प्रोवाइड किए गए हैं, लेकिन सिर्फ दो पैसेंजर्स के लिए। पीछे भी आपको एक पावर सॉकेट मिल जाता है और केबिन लाइट भी मौजूद है। पीछे एसी वेंट भी दे रखे गए हैं, जिससे कि आपका केबिन काफ़ी कूल, फ्रेश, एरी फील कराएगा। ग्लास एरिया बड़ा होने की वजह से आपको भीतर क्लस्ट्रोफोबिक भी फील नहीं होता है। ऊपर से डुअल टोन इंटीरियर होने की वजह से यह बीज कलर में काफ़ी कूल भी लगता है। जरूरत की सभी चीज़ें कार में दे रखी गई हैं। फ्रंट के डोर में ही चारों पावर विंडो के स्विचेस दे रखे गए हैं, जिन्हें आप इजिली यूज कर सकते हैं। ओवरऑल कार काफ़ी यूजफुल फीचर्स के साथ आती है।
अब जब यह वापस आ गई है तो क्या यह वह अपना वही चार्म वापस पा सकेगी जिसके लिए डिजायर सीएनजी को जाना जाता था? लिखिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। हाँ, इस कार के सेफ्टी फीचर्स की बात की जाए तो कोई अच्छी क्रैश टेस्ट रेटिंग वगैरह मौजूद नहीं है, हालांकि ABS, EBD, डुअल एयरबैग आपको इस वेरिएंट में भी मिल जाते हैं। यानी बेसिक फीचर्स जरूर आपको मिल जाते हैं, लेकिन कोई क्रैश टेस्ट रेटिंग ना होने की वजह से कुछ लोग इसको ज़्यादा क्रिटिसाइज करते हैं। अब बात करूं प्राइसिंग की तो 8,10,000 रुपीज़ से यह वेरिएंट शुरू हो जाता है और उस हिसाब से मैं कहूंगा काफ़ी अच्छी प्राइसिंग है। और इस प्राइसिंग पर इसका मुकाबला होता है हुंडई ऑरा और टाटा टिगोर CNG के साथ में। लेकिन सबसे अधिक फ्यूल इफिशेंट होने की वजह से हम इंडियंस को यह पसंद आती है। दूसरा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट कि जब लॉन्ग लास्टिंग कार की बात हो, डिजायर का नाम सबसे ऊपर ले लीजिए जाता है और साथ ही आपको मिलती है सबसे लो मेंटेनेंस सर्विस चार्जेस और हर जगह पार्ट्स की सुविधा। यानी आदमी को पता है कि यह कार खरीदने के बाद उसे इन सब चीज़ों के लिए कतई परेशान नहीं होना पड़ेगा। अपनी ओपिनियन नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिएगा और मेरी नज़र में यह रियली CNG में वैल्यू फॉर मनी वेरियंट है डिजायर का। फेसबुक पर देख रहे तो मेरे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो करना ना भूलिए। यूट्यूब पे देख रहे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में दी हुई नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलिएगा। मुलाकात होगी ऐसे ही किसी शानदार वीडियो के साथ, कार के साथ। देखते रहिए आस्क कार गुरु।